आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार के लिए अहम स्ट्रेटजी क्या रखें और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 14,350 14,425 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, निफ्टी पर आसानी से नहीं टूटने वाला। और ऊपरी स्तर पर 14,650 14,725 ये वो रेंज है जहां पर पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। लेकिन कल क्या होगा इसके लिए जो ट्रिगर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ग्लोबल मार्केट्स। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत 9-10 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि पता नहीं अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन आज रहेगा, पहली बात। दूसरा, कोरोना के मामले 2 दिनों से कम 3 दिनों से कम आ रहे हैं, लेकिन वीकेंड होने के बाद अब क्या ये मामले फिर से बढ़ जाएंगे, ये देखना जरूरी होगा। तो मामले ना बढ़े तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होंगे। साथ ही दो और आंकड़े, पहला FIIs की तरफ से आंकड़े किस तरह के आते हैं। 2 दिनों में तो जमकर 5700-5800 करोड़ की कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली की है, क्या आज भी दमदार बिकवाली का आंकड़ा रहता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बाजार ओवरसोल्ड हैं तो फिर निचले स्तरों से रिकवरी के लिए भी तैयार होते दिखेंगे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो और पोजीशंस ये बता रही कि काफ़ी हद तक बाजार हल्के भी हो चुके हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके दम पर कल बाजार को ट्रेड करना है। ऊपरी स्तरों पर आपने देख लिया 14,650 14,725 की रेंज है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 31,700-31,900 मजबूत सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, अगर हम 32,000 तोड़ते भी हैं तो। ऊपरी स्तरों पर भाई 32,700 से लेकर 33,000 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। कुछ मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, सेक्टोरल टर्निंग होगी और अगले 1-2 दिनों के लिए सरकारी कंपनियाँ, सरकारी बैंक, पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, ये सारे सेक्टर्स वापस से लाइमलाइट में आ सकते हैं। और 1-2 दिनों में अच्छा करेक्शन अगर हो जाता है तो शुगर और मेटल शेयर फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका देंगे। तो हल्के फुल्के करेक्शन के बाद जिन सेक्टर्स में तेजी है वो फिर से बढ़ेंगे, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सेक्टोरल रोटेशन बाजार में होता हुआ आपको नजर आएगा, उस पर आपको फोकस करना है।